क्या हाल चाल मजे में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बहुत अच्छा। तो दोस्तों सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फॉर्म भरेंगे सीटेट 2023 जुलाई में जो पेपर होने वाला है उस पेपर का हम ये वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं लाइव आप सभी के साथ। तो हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे सीटेट अप्लाई 2023 जुलाई वाले पे क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे साफ और सुंदर अक्षरों में लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, कुछ नहीं ओके कर देना है आपको, कुछ नहीं करना है। ओके करने के बाद इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने इस अब से पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपल सी आके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने दिसंबर में करा था तो वो ख़त्म, दिसंबर नहीं ये जुलाई 2023 की बात की जा रही है। तो जुलाई 2023 में हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे ये कुछ चीज़ें लिखी हैं, हमने सब पढ़ ली है, बस इतना आप जान जाइए कि अगर आप केवल पेपर वन का भरेंगे तो आपको 1000 रुपये लगेंगे और दोनों का भरेंगे तो 1200 रुपये, बताओ बस 200 रुपये का फर्क, ये गलत बात है ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर हम केवल पेपर टू का भरेंगे तभी बाबू 1000 रुपये लगेगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है ठीक है। चलिए अब हम कुछ नहीं करना है बच्चों, हम सीधे नीचे आ जाते हैं। इस वाले पेज पे आपको सिंपल क्या करना है, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सब चीज़ें पढ़िए और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सीधा क्लिक फॉर प्रोसीड कर दीजिए। क्लिक फॉर प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले आपको भरना है अपना नाम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप का मतलब आप कौन सा प्रूफ लगाना चाहते हैं, आप वोटर आईडी, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप कौन सा लगाना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए, आपको यहाँ पे आधार कार्ड मान लीजिए लगाना है तो आधार कार्ड नहीं लिखा है, आपको लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, तो हम वो लगा देते हैं ठीक है, यहाँ पे लिख के और यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे ठीक है। अब आइए फिर हम डाल लेते हैं क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब यहाँ पे देखिए प्रीमिसेस नेम, मतलब यहाँ पे अपने सन ऑफ फादर्स नेम लिख दीजिए, डॉटर ऑफ फादर, पापा या मम्मी का नाम लिख सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी डाल दीजिए, गांव का नाम, इंडिया और राज्य उत्तर प्रदेश, जो भी आप स्टेट में बिलोंग करते हैं वो डाल सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म कर दीजिए ईमेल एड्रेस क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा। फिर आप वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए, लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, इसमें कुछ नहीं भरना है ठीक है। और जैसे ही आप ये पूरी डिटेल्स फिल करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आपका दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम हो जाएगा, ऐसे क्लिक करते ही दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए ठीक, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है ठीक है। पासवर्ड कैसे चूज़ करना है, पासवर्ड आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, जैसे मान लीजिए पासवर्ड मैं मोस्टली बच्चों को रेकमेंड क्या करता हूँ कैसे पासवर्ड चूज़ करना है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा तो आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए, फर्स्ट 4 डिजिट लिख दीजिए जिसमें पहला क्या हो, पहला कैपिटल हो, तो यहाँ पे लिख दीजिए JANE ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप कोई भी एक सिंपल चूज़ कर लीजिए, तो @ यहाँ पे चूज़ करने के बाद 123 डाल दीजिए या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का ईयर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने में फिर से मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, पहला लेटर कैपिटल कर लीजिएगा ठीक है, अपने नाम के शुरू के 4 डिजिट कर लीजिएगा और उसके बाद @ या फिर 123 डाल दीजिए या फिर मन करे तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए या फिर मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट, ऐसे बना सकते हैं। मतलब आपको एक बड़ा डालना है, एक कोई सिंबल डालना है और नंबर डालना है ठीक है। और आपको मिनिमम कितने नंबर का होना चाहिए, यहाँ पे दिया है कि मिनिमम आपके पास 8 नंबर का होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस में सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, मतलब एक ऐसे आपको बस नॉर्मल सा है तो आप अपना ये कर लीजिएगा, आप स्टूडेंट हैं तो योर फेवरेट बुक ठीक है, योर फेवरेट बुक या ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैं मोस्टली बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फेवरेट बुक में चाहे तो आप यहाँ पे कुरान डाल दीजिए, कुरान ठीक है, अगर आप गीता लिखना चाहते हैं तो गीता लिख दीजिए, बाइबल लिखना है तो बाइबल लिख दीजिए। इस तरीके से आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं और उसके बाद आप ये वाला कैप्चर कोड डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए ठीक है। बस कुछ नहीं, यही रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक डिटेल्स फिल करनी है, फीस पेमेंट करना है, काम हो जाएगा। आइए पहले मैं इसको फिल कर दूँ फिर हम चलते हैं दूसरे पेज पर। तो दोस्तों सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है और हम यहाँ पे आके सबमिट कर देते हैं वाला, और उसके बाद हमने कर लिया। बस देखिए जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेते हैं ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज इन द इन्फॉर्मेशन यू मे डू सो
बाई प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट अर्सिंग। देखिए सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आप एक बार फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, अगर बाकी सब सही है तो आप एग्री करके सबमिट फॉर ओटीपी कर दीजिए, बाकी सब सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। आइए ज़रा चल लेते हैं, ये रहा था मेरा पूरा फॉर्म। अब यहाँ पे आपको वन बाई वन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स सही हैं। तो अगर ये सारी डिटेल्स सही होंगी चेक करने के बाद करिएगा, तो आप इन सब पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट एंड सेंड फॉर ओटीपी। अगर गलती होता है तो एडिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आइए मैं भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों इसमें सब सही है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबमिट एंड ओटीपी कर लेते हैं। या तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, ओटीपी आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ओटीपी हमारा क्या है। ओटीपी टाइप करने के बाद फिर हम यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ओटीपी सबमिट कर दिया। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसके बाद फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपका सारा टेंशन खत्म। तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड है लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है, बट नो इशू, आपको सीधे यहाँ पे आना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेते हैं और जो मिसिंग हो हम भर लेते हैं, ठीक है। तो आइए क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर नेम, ये ऑलरेडी फील्ड होगा क्योंकि आपने भर रखा है। एक बार फिर से आपको नेशनलिटी, कैटेगरी, और अगर आप पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन में आते हैं तो यस और नो कर लीजिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप यस और नो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमें सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी। फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगला पेज काफ़ी सावधानी से आपको भरना है। आपने लिखना है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर ये केवल पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए कि बोथ। तो बोथ कर रहे हैं तो पेपर वन और पेपर टू दोनों कर लीजिए। लैंग्वेज वन आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। लैंग्वेज वन में आप हिंदी रख सकते हैं, लैंग्वेज वन में आप इंग्लिश रख सकते हैं। लैंग्वेज टू आप क्या रख सकते हैं, लैंग्वेज टू आप यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हैं। जिन बच्चों को संस्कृत देना है संस्कृत रख लीजिए। याद रखिए लैंग्वेज वन जो रखेंगे उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। तो लैंग्वेज वन में आप हिंदी रख लिया, लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश रख लिया। अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज टू में संस्कृत रखना है तो संस्कृत रख लीजिएगा। आप उस लैंग्वेज को रखिएगा जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पैसेज में से छांटना तभी छांट सकते हैं जब आप समझ सकते हैं। अब आइए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं। अब ये वाला बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, एक से पाँच तक। अगर आप एक से पाँच तक के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी अंतर आता है आप यहाँ पर भर सकते हैं। हम यहाँ पर इस बेस पर भरेंगे जिन बच्चों का बी एड कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, उस बेस पर भरेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जिन बच्चों का बीएड फर्स्ट ईयर है वो क्या भरेंगे, जो बच्चे भी सेकेंड ईयर में हैं वो क्या भरेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। तो चलिए, तो दोस्तों अगर पेपर वन की बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पेपर वन। पेपर वन में आपको क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए, पाँचवा नंबर को ध्यान से देखिए। पाँचवा नंबर क्या कहता है, पाँचवा नंबर कहता है कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स आपका है, चलिए है, एंड पास्ट। अगर आप पास्ट और परस्यू और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बी एजुकेशन बीएड, आप चाहे बीएड पास हो, चाहे बीएड परस्यू कर रहे हो या फिर बीएड में अपीयर हो, मतलब चाहे आप बीएड पास हो या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बैचलर ऑफ एजुकेशन और एनी एनसीटी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये भरना है। तो नो डाउट आपको क्या नंबर भर देना है बच्चों, पाँच नंबर भरना है, बिना किसी डाउट के आप पाँच नंबर भर दीजिए। चाहे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, चाहे आप देखिए ग्रेजुएशन 50% है, जी हाँ, पहली कैटेगरी क्राइटेरिया पूरी है। दूसरा कह रहा है कि पास्ट और परस्यूइंग और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड में अगर आप पास हैं या बीएड में अपीयरिंग है, आपने एडमिशन लिया है या फिर बीएड आप सेकेंड ईयर या परस्यू कर रहे हैं, तो आपने बीएड भर देना है, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर आपने पाँच भर। अब यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ एक और बात मेंशन करते चलूँ, ये देखिए कितना मजे की बात है। सीटेड फॉर्म भरते वक्त क्या कह रहा है, देखिए यह कह रहा है कि शैल बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड एज द टीचर सेल्फ मैंडेटरी टू अंडरगो अ 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कह रहा है कि अगर बीएड करने के बाद भी अगर 1 to 5 में आते हैं तो आपको एक 6 month का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। भाई जब करना पड़ेगा तो नौकरी दो ना, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में फंसा के रखा है।
जब हम सुप्रीम कोर्ट की वजह से फंसे हुए, देखो साफ साफ सीटेड मतलब कुछ चाहता है कि बीएड वालों को प्राइमरी में रखा जाए, कि इसीलिए तो कह रहा है कि अगर आप 1 से 5 में बीएड, देखो मांग तो रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है 2 साल का अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। भाई फिर मामला जल्दी जिताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट को बोलो बीएड में पक्ष में फैसला दे, बीएड वाले इंतजार में बैठे हैं कब वो टीचर बने प्राइमरी के। तो वो तो दूसरी बात हो गई, आपको पहले वाले में 5 भर लेना बिना किसी डाउट के, भर लिया आपने बहुत अच्छा कर लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे में आप क्या भरेंगे, तो दूसरे में भी देख लेते हैं आप क्या भरेंगे। ग्रेजुएशन पास परसुइंग ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है। अब ये देखिए ये आ तो गया, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन पास परस्यू और अपीयर, बस काम खत्म भैया। कह रहा है आपने बीएड, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें 50% मार्क है, बात खत्म। अब कह रहा है कि भैया पास्ट परस्यू और अपियरिंग इन द बैच फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स, काम खत्म भाई काम खत्म। आपको 2 नंबर डालते हैं, ठीक है 2 नंबर आप यहाँ पे 2 नंबर डाले। अच्छा आइए और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ग्रेजुएशन एटलीस्ट इतना पास्ट और परस्यू अपियरिंग द बीए बैचलर इन एजुकेशन इन एड्रेस विद द एनसीटी रिकॉग्नाइज। तो दोस्तों बिना किसी डाउट के हम दूसरे वाले में 2nd नंबर भर लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लें। एटलीस्ट क्या कह रहे हैं भाई, एटलीस्ट 50% मार्क आदर इन ग्रेजुएशन, आप सही बात है ग्रेजुएशन। अब कह रहे हैं पास्ट और परस्यूइंग और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर, सही बात है भैया, हम चाहे आप पास हो चाहे परस्यू हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर में हो, तो 2 नंबर परफेक्ट है, हमने 2 नंबर डाल दिया, काम यहाँ पे खत्म हो गया, बस आपका फॉर्म खत्म हो गया। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफर, अच्छा आप ये देखो ये अच्छी बात कह रही है, सेकेंड ईयर में आप पेपर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप मैथ के हैं तो मैथ क्लिक कर लीजिए, सोशल साइंस के सोशल साइंस क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे दोनों पे आपको क्लिक कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में मैंने क्या किया था, बिना इसको टिक किए ही यहाँ पे सबमिट कर रहा, तो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, अगर आपने DLED किया है तो ऊपर वाला कर लीजिए, अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है अगर आपने डिग्री लिया है मतलब बीएड किया है तो आपने इसको बीएड वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आके इसका जो भी सिक्योरिटी पिन है वो हम सबमिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है सबमिट कर लेते हैं। तो अब आपने जो डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिटेल्स भरी थी, आप उसको यहाँ पे लिखिए कि आपने बीएड कब पास किया था, बीएड में आपने क्या किया है, आप पास हैं कि अपीयरिंग है, पास हैं, कौन से साल में आपने पास किया था, 2019, 2018, 2022 जो भी आपने सेलेक्ट किया वो कर लीजिए, 2022 यहाँ पे कर लेते हैं। आगे की डिटेल्स में देख लेते हैं, कोर्स में तो आपका यही रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन रहेगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे आएंगे तो देखते हैं कि अगर आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, तो क्या आपको डॉक्टर राम मनोहर यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप सीधे अदर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, राम मनोहर, अच्छा आर से केवल है राम, ओके एक्सेंट। दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें तो देखेंगे राम मनोहर लोहिया सीवान मेरठ कल्याणपुरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपल से क्या कर हम करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई दे रही हो तो आप अदर पे आ सकते हैं, ठीक अदर पे आ जाइए, यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, ठीक है अदर पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया के बच्चे यहाँ पे डाल देंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है यूनिवर्सिटी 2 बार हो गया, तो हम यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है चले हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट मोड देख लेते हैं, परसेंटेज था आज यहाँ परसेंटेज था, यहाँ पे अभी एक अपडेट हो गया आएगा कि आपको यहाँ पे हाँ करेक्ट आपने कितना नंबर पाया ये वाला भी यहाँ पे डालना होता है। तो टोटल मार्क्स कितना था, ऑब्टेंड मार्क्स क्या है ये, और पिन कोड जी हाँ इंस्टीट्यूट पिन कोड में ध्यान दीजिएगा, आप इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपका जहाँ पे कॉलेज था वहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका जो महाविद्यालय जिस पिन कोड के अंतर्गत आता है आप वहाँ पे वो डाल सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं, गलत नहीं होगा यूनिवर्सिटी, मगर मैं कहता हूँ आप वो डालिए जहाँ पे आपका कॉलेज था, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अवध विश्वविद्यालय का कॉलेज अयोध्या में है और इससे रिलेटेड कॉलेज सुल्तानपुर में है, इससे रिलेटेड कॉलेज अकबरपुर में है, इससे रिलेटेड कॉलेज बाराबंकी में भी है, तो सबका पिन कोड अलग हो जाएगा। तो आप एक काम करिए पिन कोड डाल दीजिए, इंस्टीट्यूट पिन कोड कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, आप अपने महाविद्यालय का पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के 7 नेक्स्ट कर लीजिए। तो अवध विश्वविद्यालय के बच्चे ध्यान देंगे, बच्चों आपका टोटल मार्क्स जो था वो 1200 नंबर का था, ठीक है 1200 नंबर का था, जो अपियरिंग है तो वो तो अपियरिंग भर देंगे, जो पास्ट है तो अवध विश्वविद्यालय में टोटल 1200 नंबर का होता है, ठीक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के 1200 नंबर में आपने टोटल कितना पाया वो आपको यहाँ पे भर देना है।
तो आइए बच्चों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ज़्यादा काम नहीं रह गया, बस आप यहाँ पे फोटो अपलोड सिग्नेचर करिए, उसके बाद एग्जाम सिटी साइन करिए, उसके बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। आप एक काम करिएगा, एक वाइट पेज पे सिग्नेचर कर लीजिएगा और एक फ़ोटो आप किसी दोस्त को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर उससे कहिएगा वो आपको वापस व्हाट्सअप करे। जब आप व्हाट्सअप करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे 200 के अंदर KB में हो जाए, तो वहाँ पे काम हो जाएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फोटोज़ और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखेगा क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे दोनों अपलोड हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिए, सेंटर एग्जाम सिटी चूज करिए और उसके बाद टाटा बाय बाय, फीस पेमेंट करिए, फॉर्म खाम खत्म आपका। तो दोस्तों अब आ गई है बारी आपको सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट स्टेट, आप कौन से राज्य हैं। दोस्तों पहले आओ पहले पाओ का मामला है, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। फटाक से हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश आने के बाद हम एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम सिटी में आप जो चाहे आगरा, दिल्ली, यूपी में कहाँ से दिल्ली, आगरा, लखनऊ, अलाहाबाद, बरेली, बलिया, गाज़ियाबाद, जो भी, झांसी, कानपुर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं अयोध्या। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या, ये रहा अयोध्या, अयोध्या सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अयोध्या में अगर आप देखेंगे अयोध्या में दोस्तों, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे अभी अरे बस 8,000 बचा है भाई, जल्दी करो फटाफट से करो, 8,000 बचा है। अच्छा लखनऊ में देख लेते हैं कितना सीट बचा है, लखनऊ में, लखनऊ में, लखनऊ में, आजा कहाँ भाई लखनऊ, ये रहा। तो लखनऊ में अभी 95,000 बचा है, बट हम यहाँ पे फटाफट, चलो लखनऊ रहने देते हैं, लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं सिक्योरिटी पिन, करेक्ट। फिर इसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर फीस पेमेंट करेंगे, काम खत्म। दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले एक नोटिफिकेशन आया है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पेज बिफोर फाइनल सबमिट, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लेफ्ट मेन्यू बार। इसमें से किसी एक पे आप आके चेंज कर सकते हैं अगर कुछ गलती होता है, अदरवाइज आप फाइनल सबमिट कर लेते हैं। तो फटाफट से एक बार क्रॉस चेक करके फाइनल सबमिट करेंगे, पैसे में पेमेंट करेंगे, उसके बाद सीटेट की तैयारी में लग जाएंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, पहले फाइनल फीस भी तो पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब ऊपर से आप चेक करते आएंगे आप देखेंगे सब सही है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आपने देखा आपके सारे सही हैं, तो आपने यहाँ पे सब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर लिया, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं बच्चों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भर के फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे एक सिंपल सा प्रोसेस है फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट अगर आपने दोनों दिया है तो 1200 रुपये का फीस पेमेंट आपको कर देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपका लास्ट का फाइनल PDF निकल कर आ जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी कमेंट बॉक्स में। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा आपके फॉर्म भरने में। दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के CTET के फॉर्म भरने में, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, किसी प्रकार की समस्या हो आप बेझिझक बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका भाई हमेशा यहाँ पर अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी मेहनत की सराहना करेंगे, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप चैनल से जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जो इस बार CTET देने जा रहे हैं। CTET दीजिए, बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करिए और आप बहुत अच्छे शिक्षक शिक्षिका बनिए और इस देश की सेवा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में सराहना करनी ना भूलें, कोई समस्या के लिए बेझिझक पूछिए। फिलहाल जय हिंद जय भारत साथियों।